हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं रजनी आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ पुदीने की चटनी, तो आप भी देख लीजिए किस तरह से बनाती हूँ मैं पुदीने की चटनी। तो सबसे पहले मिक्सी के जार में मैंने डाल लिया है पुदीना, जो कि बिल्कुल फ्रेश पत्तियाँ हैं। उसके बाद डाल दी है एक छोटी सी प्याज, और प्याज के बाद मैं इसमें डाल दूँगी हरी मिर्चें। हरी मिर्चें डालने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ा सा नमक, और नमक डालने के बाद मैंने डाल दिए इसमें लगभग 8 से 10 चीनी के दाने। और उसके बाद ऐड कर दूंगी इसमें मैं 2 नींबू का रस है, तो 2 नींबू का इसलिए है क्योंकि नींबू थोड़े सूखे से थे। वैसे तो अगर सही सा नींबू हो तो 1 नींबू का रस काफ़ी रहेगा। और उसके बाद डाल दिया है मैंने इसमें थोड़ा सा पानी, और अब मैं इन सब चीज़ों को पीस लूँगी। तो आज मैं आपको बताऊँगी पुदीने की चटनी के 2 सीक्रेट। तो 2 सीक्रेट में से सबसे पहला तो ये है कि अगर आपको चटनी स्टोर करने के लिए बनानी है तो आप उसमें प्याज बिल्कुल मत डालिएगा। और दूसरा सीक्रेट है नींबू। तो अगर हम चटनी में नींबू डालते हैं उससे हमारी चटनी का टेस्ट तो बढ़ता ही है, साथ ही हमारी चटनी का कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो देखिए, आपको देख के पता चल ही जाएगा ये चटनी का जो कलर इस टाइम दिख रहा है बिना किसी फिल्टर के है। तो लीजिए, हमारी चटनी हो गई है रेडी। और आप सब भी कमेंट करके बताइएगा आप में से किस किस को पुदीने की चटनी पसंद है। तो चलिए फिर आपसे मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप मेरी वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर।